प्रश्न नौ का पांचवा प्रश्न, गुणनखंड करें तो प्रश्न है ए गुना ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। यह है प्रश्न, ए गुना ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। तो इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहले हम इसको गुना कर लेंगे। देखिए a प्लस बी माइनस सी क्या है, कोष्टक में है और a बाहर है, इसका मतलब हुआ कि a से a प्लस बी माइनस सी को गुना करेंगे। तो a से a को गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस a से b को गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी। अब यहाँ c माइनस में है और a प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और a गुना c क्या हो गया ए सी, और माइनस बी सी लिख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी हो गया यहाँ पे। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी में देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो पहले क्या किया यहाँ पे, a प्लस बी माइनस सी से a को गुना किया, तो a से a को गुना करने पे ए स्क्वायर आ गया, a से b को गुना करने पे ए बी हो गया, और a से माइनस सी को गुना करने पे माइनस ए सी हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस ए बी में a दोनों में है, देखिए a इसमें भी है a इसमें भी है, तो a कॉमन ले लेंगे। तो a जब दोनों में है तो a को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, a बचेगा क्योंकि ए स्क्वायर है, तो a कॉमन ले लेंगे तो a बचेगा क्योंकि a गुना a क्या होता है a स्क्वायर, प्लस a इधर कॉमन ले लिए हैं ab में तो सिर्फ b बचेगा, तो b लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से अब यहाँ पे ac है, यहाँ पे bc है, ठीक है, तो c दोनों में है तो यहाँ पे माइनस सी कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस सी कॉमन लेने पे क्या बचेगा यहाँ पे, ए बचेगा क्योंकि माइनस सी गुना ए क्या होगा, माइनस ए सी। उसी तरह माइनस सी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा, प्लस बी बचेगा क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिए और सी भी कॉमन ले लिए, तो सिर्फ बी बचा यानी प्लस बी। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे अगर माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है इसीलिए एक माइनस रहेगा तो एक प्लस रहेगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस बी को जब कॉमन लेंगे तो a प्लस बी को कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे, a बच गया। उसी तरह a प्लस बी को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, माइनस सी बच गया। तो ये हो गया इसका उत्तर, a प्लस बी गुना a माइनस सी, a प्लस बी गुना a माइनस सी। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। अब छठा प्रश्न, प्रश्न नौ का छठा, तो प्रश्न है ax माइनस bx प्लस by प्लस cy माइनस cx माइनस ए वाई। तो एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई माइनस सी एक्स माइनस ए वाई। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स,
देखिए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस सी एक्स को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस सी एक्स है तो ये तीनों को एक साथ लिख लेंगे, एक्स माइनस बी एक्स और माइनस सी एक्स को एक साथ लिखेंगे। उसी तरह माइनस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई को एक साथ लिख लेंगे। देखिए माइनस ए वाई को यहाँ पे लिख लिए, फिर बी वाई को यहाँ पे और सी वाई को यहाँ पे लिख लिए। तो जैसे यहाँ पे ए पहले है उसी तरह यहाँ पे ए पहले होगा, फिर बी, फिर सी। यहाँ पे देखिए ए बी सी इस तरह लिखे हैं, ए बी सी के साथ एक्स है तीनों के साथ, यहाँ पे ए बी सी के साथ वाई है। तो इस तरह सजा करके पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये तीनों में एक्स है, देखिए एक्स एक्स एक्स, तो एक्स कॉमन लेंगे। एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लें तो ए बचेगा, एक्स कॉमन ले लिए तो बी बचेगा यानी माइनस बी, एक्स कॉमन लिए हैं तो माइनस सी बचेगा। इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। एक्स कॉमन लेने पे क्या हो गया, एक्स गुना ए माइनस बी माइनस सी हो गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और वाई तीनों में है, देखिए वाई वाई वाई, तो वाई को कॉमन लेंगे। वाई को जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, माइनस वाई को कॉमन लिए, ठीक है। इसमें तो माइनस भी कॉमन हो गया, वाई भी, तो ए बचा, यहाँ पे ए लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस है, लेकिन हम तो माइनस वाई को कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, तभी देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे प्लस है लेकिन हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस यहाँ पे देंगे तभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे बी लिख लेंगे क्योंकि वाई तो कॉमन लिए हैं, यहाँ भी प्लस है लेकिन हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस का चिन्ह देंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा। तो वाई कॉमन हो गया तो सी बचा, तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी यहाँ भी है, ए माइनस बी माइनस सी यहाँ भी है, तो ए माइनस बी माइनस सी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो दो बार है ए माइनस बी माइनस सी, तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, ए माइनस बी माइनस सी को जब कॉमन ले लिए तो एक्स बचेगा, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, माइनस वाई बचेगा। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, ए माइनस बी माइनस सी गुना एक्स माइनस वाई। अब इसको सजा करके लिख लेंगे, तो पहले एक्स माइनस वाई लिखा जाता है, पहले एक्स वाई लिखा जाता है, उसके बाद इसको लिख लेंगे ए माइनस बी माइनस सी। तो इसका उत्तर आ गया है एक्स माइनस वाई गुना ए माइनस बी माइनस सी।